हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद और आशा आप सभी लोग बढ़िया होंगे, जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, फिर से एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको कहा था, मैं आपको गांव घुमाऊंगी। तो मैं आपको इस गांव से उस गांव, उस गांव से इस गांव घुमा रही हूं। तो आज फाइनली मैं हूं तो गांव में, लेकिन आज मैं दूसरे गांव में हूं। तो आपको जो पिछली वीडियो आ रही थी, जिसमें मैंने झूला डाला था, पहाड़ी आम डाले थे, ये सब चीज़ें, ये थे मेरी मायके की वीडियो, जो मेरा मायका पड़ता है पिथौरागढ़ ज़िले के कनालछना ब्लॉक के छोटे से गांव माथुली की। तो अब की वीडियो जो आ रही है, अब की वीडियो है पिथौरागढ़ ज़िले के बीण ब्लॉक के छोटे से गांव मेलडुंगरी की। तो दोस्तों, फाइनली मैं फिर गांव चले गई हूँ। पहले मैं मायके थी, मायके से पिथौरागढ़ जाके गांव आ गई हूँ। तो गांव में हमारे कुछ काम थे, इसलिए मैं अब आपको कुछ वीडियो और गांव की ही दिखाऊंगी। तो दोस्तों, आपको मैं इस गांव से उस गांव, उस गांव से उधर मैं घूम रही हूँ और उधर ही आपको भी घुमा रही हूँ। तो दोस्तों, उम्मीद करूँगी आपको ये वीडियो अच्छी लग रही होंगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर करना, साथ ही चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। तो दोस्तों, गांव में हमारा कुछ काम था जो मैं दिखाने वाली हूँ आपको। तो गांव में हम आए थे, तो मैं यहाँ पे बंदर आ रही हूँ। मैं आपको पहले बंदर दिखा दूँ यहाँ पे से। ये देखिए, छोटे छोटे बंदर पेड़ में चढ़ रहे हैं। ये देखिए, उसने मारी जंप और वो गया पेड़ के ऊपर, टॉप में जाके बैठ गया है। ये देखिए, ये है हमारा काम था। तो ये है, आपने जो लोग मेरी रोज़ वीडियो देखते हैं तो वो देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने इसमें सीमेंट कर दिया है। तो इसमें हमने सीमेंट करना था, तो पूरी दीवार। तो देखिए, ये है हमारी सवेली, जो हमारी बनके तैयार हो चुकी है, बहुत ही अच्छी हो रखी है। तो इसके बाद तो यहाँ पे बंदर भी आ गए हैं, तो बंदरों को देखने के लिए निक्की भी बाहर आ गई है। तो मैंने आपको जो ये दिखाया, जिसे हमारे लैंग्वेज में, हमारे मेरे ससुराल में, मेलडुंगरी में इसे छवेली बोला जाता है, सवेली, बैठने वाली। तो पहाड़ों में बहुत काम करती है ये। इसको हमने अच्छे से बना लिया है, इसके बाद हमें चेयर की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पहाड़ में ऐसे ही बैठ जाते हैं। इसे बहुत कुछ कहा जाता है, इसे दीवाल भी बोलते हैं, भीड़ी भी बोलते हैं, और नॉर्मल तरीके से इसे एक पहाड़ी कुर्सी समझ सकते हैं। तो ये इसका नाम था। तो ये कुछ काम है हमारे, जो अब हमें घर में करने हैं। तो ये काम करने के बाद, ये काम कंप्लीट हो जाने के बाद, फिर हम बाज़ार चले जाएंगे। तो मैं आपको यहाँ पे से हवेली दिखा देती हूँ, कैसे हमारी बनी है, देखिए। तो देखिए, जो मेरी रेगुलर वीडियो देखते हैं तो वो देख पता होगा कि हमारी पिछली भी मैं जो मैंने वीडियो बनाई थी, तो उसमें बंदरों, पहाड़ी बंदर दिखाए थे। तो उसमें आप सवेली देख सकते हैं कितनी टूटी थी। तो इसलिए हमने इसको एकदम अच्छी कर दी है इसे। तो बैठने के लिए पहाड़ी कुर्सी बहुत ही अच्छी है। और यहाँ पे अब हमें काम करना है। तो यहाँ पे जो देख रहे हैं, यहाँ पे जो ये घास जमी हुई है देख सकते हैं, तो यहाँ पे जो, यहाँ पे जो आंगन में हमने पत्थर बिछाए हैं वो तो ठीक है, जो साइड में घास उग रही है, हमें उस घास को निकाल के फिर उसमें सीमेंट से बंद कर देना है, ताकि घास ना उगे। तो जब घास उगती है तो गंदा दिखता है, क्योंकि सफाई करने के लिए हर टाइम नहीं आ पाएंगे, तो वो थोड़ा ढक जाएगी। तो वो काम करनी है, मैं आपको दिखा दूँ क्या करना है हमने। तो ये देखिए, जो आपको ये घास दिख रही है, इस घास को हमने निकालना है और इसमें हम भरेंगे सीमेंट। तो और ये जो पत्थर बिछे हैं आंगन में, ये ऐसे रहेंगे और इस घास को हम ढक देंगे सीमेंट से, तो ताकि ये घास फिर दोबारा उग ना पाए, जिससे यहाँ पे आंगन की सफाई अच्छे से हो जाएगी, आंगन भी अच्छा दिख जाएगा। क्योंकि यहाँ बैठने के लिए पहाड़ी कुर्सी तो अच्छी बन ही गई है। तो आपको दिखा दूँ, यहाँ खेतों में मैंने पिछली बार गोड़ाई करके दिखाई थी, तो फिर यहाँ घास हो रखी है, फिर यहाँ गोड़ना हो रखा है। तो यहाँ हमने फिर गोड़ाई करनी है, और इसकी गोड़ाई अब दिखाऊँगी नहीं, क्योंकि पहाड़ी गोड़ाई तो मैंने आपको दिखा ही रखी है। तो इसकी हमने गोड़ाई करनी है। इस गोड़ाई को करने के बाद साफ करूँगी, तो मैं आपको जितना हो पाएगा आपको दिखाने की कोशिश करूँगी हमारे पहाड़ के काम। तो यहाँ ये खेत है हल्दी का, देख सकते हैं इसमें इतनी घास लगी है, तो इस घास को भी हमने साफ करना है। और उधर मैंने जो आपको पेड़ों की वीडियो भी दिखाई थी, अरबी की वीडियो जो दिखाई थी मैंने आपको, अरबी को हमारे पहाड़ में उसे पेड़ों बोलते हैं, तो पेड़ों जो हमारी, उसकी गुड़ाई भी करनी है। तो मैं ये सब चीज़ें आपको साफ करके ही दिखाऊंगी। और जो हमने सवेली बना रखी है और ऊपर छत में लेंटर डाला है, ऊपर छत का लेंटर फिर दिखाऊंगी मैं आपको। तो उसमें हमने सुबह शाम पानी डालना है, तो पानी भी डाल रहे हैं, इसलिए हम घर आए थे। तो दोस्तों, यहाँ पे देखिए, जो आपको ये हल्दी का खेत दिख रहा है, यहाँ पे घास उग रखी है, और तो हमने हल्दी की गुड़ाई भी करनी है।
तो मैं इस खेत की सफाई करके मिलती हूँ आपको। ये हमारा पहाड़ी घास जो जानवर इसे खाएंगे। यहाँ पे देखिए मैंने इस खेत की घास काट के गुड़ाई कर दी है, तो कुछ इस तरह से दिख रहा है ये हमारा खेत जो मैंने इसकी ऐसी सफाई कर रखी है। हमारा खेत जो मैंने आज इसकी सफाई की, तो इसकी गुड़ाई हो चुकी है। तो दोस्तों उम्मीद करूँगी आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करना, साथ ही चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब करना। अगर वीडियो बहुत अच्छी लगी है तो आज की वीडियो में तो इतना ही। तो ये खेती मैंने आपको वीडियो गुड़ाई करके नहीं दिखाई, क्योंकि काम के साथ साथ वीडियो बनाना बहुत टफ रहता है, तो इसलिए मैंने इसकी गुड़ाई करके नहीं दिखाई। मैं किसी और चीज़ की दिखाऊंगी अभी, और हमारी गुड़ाई करनी है। तो हमने अभी अरेबी की गुड़ाई करनी है और हमारी हल्दी है उसकी गुड़ाई करनी है, तो फिर दिखाऊंगी अगली वीडियो में। तो दोस्तों उम्मीद करूंगी आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करना, साथ ही चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। तो दोस्तों फिर मुलाकात होगी ऐसे ही एक नए ब्लॉग में। भगवान करे आपका दिन शुभ हो। टेक केयर एंड बाय बाय।